Hello students, myself Rajiv Atri, and today we are going to discuss magnetic field due to a current carrying circular ring. Now students, for a circular ring, as we know, the ring is carrying a current in this manner. Let us consider this is entering of current and this is leaving point of current. देखो, जैसा कि हमें पता है कि एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है. इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल से दिया करते थे. वो राइट हैंड थंब रूल क्या था कि इफ वी होल्ड वायर, करंट कैरिंग वायर इन आवर हैंड इन सच ए मैनर दैट आवर थंब डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन If we curl our all four fingers, this may represent the direction of magnetic field around the current carrying wire. Same यहाँ पे भी है. देखो, मान लो ये एक current carrying wire है, ये भी एक current carrying wire है. तो इस wire के across अगर मैं right hand thumb rule लगाऊँ, यहाँ से inward magnetic field और दूसरी तरफ से outward magnetic field. Similarly, इस wire के across लगाऊँ तो यहाँ से inward, दूसरी तरफ से outward magnetic field. बट इसके लिए हम अलग से दो रूल पढ़ते हैं. दोनों रूल में से आपको भी कोई भी रूल अगर समझ में आए तो वो आप रख सकते हैं. ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. देखो, लूप तो हम किसी भी ऐसे सर्किट को बोल सकते हैं जिस सर्किट में करंट चल रहा हो. ओके, किसी भी सर्किट में अगर हम करंट का फ्लो देख रहे हैं तो वो ऑब्वियसली लूप बोला जा सकता है. यहाँ पे भी करंट चल रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको लूप बोला. ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर लूप. नाउ एज देखो, जैसा कि हमें पता है कि एक स्ट्रेट वायर के अंदर करंट अगर चले तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी. ऐसे ही यहां पे है, अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस भी करंट चले, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी. और वो या तो इसके इनवर्ड होगी, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज के केस में तो इनवर्ड ही होगी. एंड एक और चीज ऑब्जर्व करने की है, अगर एक साइड से इनवर्ड है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से आउटवर्ड भी रही होगी. और अगर आउटवर्ड रही होगी तो देखो, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल. मीन्स जैसा कि हमें पता है कि मान लो ये ऐसे करंट चल रहा है, मैं अपनी साइड से अगर इसको क्लॉकवाइज चला रहा हूं तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा. अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो, सेम ओरिएंटेशन मैं अपने हाथ से करके दिखाता हूं और सेम ओरिएंटेशन आपकी तरफ मोड़ दी मैंने. अब आपको क्या दिख रहा है, एक वायर क्लॉकवाइज, दूसरी वायर एंटी क्लॉकवाइज. ओरिएंटेशन तो सेम थी बट नजरिया दो था. इस डायरेक्शन से अगर मैंने देखा तो एक क्लॉकवाइज थी, सिमिलरली इस डायरेक्शन से अगर मैंने देखा तो एक एंटी क्लॉकवाइज थी. समझ में आ रही बात? एक डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है मतलब वो साउथ पोल बना रही है, दूसरी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल बना रही है. मतलब एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एक डाइपोल की तरह रिएक्ट करती है, मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, यही हमें इसके बारे में यहां पे लिखना है कि एज वी नो ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक्ट एज मैग्नेटिक डायपोल सो इट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी गिवन बाय either
क्लॉक रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। ओके, ये दो रूल्स हैं। अब एक एक करके दोनों रूल्स पढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्लॉक रूल सिखाता हूं, क्लॉक रूल आपको किस तरह से अप्लाई करवाना है। देखो, नाम से पता चल रहा है क्लॉक, तो ऑब्वियसली घड़ी की बात हुई होगी। घड़ी की सुइयां इस मैनर में चलती है ना, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। जिस मैनर में हमारी घड़ी की सुइयां चल रही है वो क्या क्लॉकवाइज। तो अगर इसको मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो ये क्लॉकवाइज है। एक घड़ी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो ऐसे ही, इसको समझने के लिए। एक घड़ी को अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगी, बट उसी घड़ी को इस तरफ से देखो एंटी क्लॉकवाइज चलती दिखेगी। मतलब घड़ी भी बेस्ट एग्जांपल है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, करंट ऑब्जर्व करने के लिए। देखो, क्लॉक रूल सीधा साधा रूल है कि अगर मैं एक सर्कुलर कॉइल लूं, उस सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट चलाऊं, तो आप क्लॉकवाइज को ऐसे देखें और ये बिना एरो हेड वाले एंड्स को मिला दीजिए, ये क्या बनेगा, साउथ बनेगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाता हूं और फिर से ऐसे ही एरो बनाता हूं, तो ये विदाउट एरो वाले एंड्स को मिला दीजिए, ये क्या बनेगा, नॉर्थ को। तो क्लॉक रूल सिर्फ यही बता रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्लॉकवाइज करंट, अगर ये क्लॉकवाइज करंट है, मेक्स साउथ पोल और एक्ट लाइक ए साउथ पोल। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की कैसी होती हैं, इनवर्ड होती है ना, तो ये भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। सिमिलरली अगर इफ डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन की करंट एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं वो नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। द लूप और कॉइल एक्ट लाइक नॉर्थ पोल, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is outward, outside from the loop, okay? ये आपको दोनों help होंगी explanation में। अब देखो दूसरा rule, corkscrew rule क्या कहता है। corkscrew rule भी सिर्फ direction ही बताएगा कि अगर आप current की direction में एक कॉर्क स्क्रू देखो, मान लो मैं इसी के ऊपर ऐसे कॉर्क स्क्रू बना दूं, ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये इसकी, इसको हम चूड़िया भी कह सकते हैं, है ना। ये आपको बताती है कि कॉर्क स्क्रू किस डायरेक्शन में सस्पेंड होगा। इस तरह से मैं इसके बीच का वो बना दूं जहां से हम पेचकस की हेल्प से इसको सस्पेंड करवाते हैं। ओके, अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा एज ए कॉर्क स्क्रू, एज ए स्क्रू। हाँ जी, तो ये कॉर्क स्क्रू रूल जो है ये भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इसने की। इसमें भी according to this rule, if ourselves or if we are deriving
वी आर डिराइविंग ए स्क्रू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब देखो इस मैनर में अगर ये ऐसा ऐसा स्क्रू है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है ना, तो आप इस डायरेक्शन में अगर इसको भी सस्पेंड करें, ऐसे ऐसे घुमाएं, डिराइव करें, तो ये जो सस्पेंड, इसकी डायरेक्शन ऑफ सस्पेंशन होगी वो अंदर की तरफ होगी. अगर मैं ऐसे किसी भी कॉर्क स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा, इसका जो कॉर्क है वो अंदर की तरफ सस्पेंड होगा, है ना. तो ये सस्पेंशन ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप में, और इसके अकॉर्डिंगली भी देखो, साउथ पोल अंदर की तरफ, नॉर्थ पोल बाहर की तरफ. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं इसको ऐसे सस्पेंड ऐसे करता डिराइव, और ये सस्पेंड होता फिर बाहर की तरफ, इसका कॉर्क बाहर की तरफ आता. और अगर बाहर की तरफ आएगा तो अब क्या होगा, अब ये रिप्रेजेंट होगा एक तरह से नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, है ना. Along the direction of current, then direction of suspension of its cork will represent direction of magnetic field line. Direction of magnetic field lines. सो स्टूडेंट्स देखो, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसके आसपास ऐसे बिल्कुल कोएक्सियल कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में चलती है, और ये इसके अंदर भी कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं. ओके, ऐसे यहां से इस टाइप से यहां से इनवर्ड, दूसरी साइड से आउटवर्ड, बट वो कोसेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते जाते हैं, इसलिए हम फिर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टडी करते हैं. तो आप कह सकते हो कि डाइपोल की तरह बिहेव करता है. और बहुत सारी कोइल्स अगर मैं ले आऊं तो क्या बनाएगा, सोलेनोइड. और सोलेनोइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोलेनोइड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा. ओके, इस क्लास में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.